गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड मैं हूं अंकिता। सो आज का टाइटल ट्रैक पढ़ के आप लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गया है कि ये वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मिंत्रा हॉल, क्योंकि रिसेंटली मैं कुछ ड्रेसेस परचेस की हूँ मिंत्रा से, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो मैं शेयर कर देती हूँ। एंड सामने बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल सीजन ऑन है, तो क्यों ना हम लोग अभी शॉपिंग करें एंड वो भी घर में बैठ के। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ वो तो शेयर करूंगी, लेकिन उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड इस वीडियो को अगर आप लोग एंजॉय करेंगे तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का सबसे पहला ड्रेस है ये ड्रेस, एंड ये एक ए लाइन ड्रेस है एंड इसका लेंथ है नी लेंथ। एंड इसका कलर सच में बहुत ही माइंड ब्लोइंग कलर है, पिंक तो है लेकिन पिंक भी बहुत ही एक स्वीट पिंक है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये वन कलर में ही है और कुछ इसमें डिज़ाइन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी है कि। और इसका जो ये स्लीव्स है ये बहुत ही एकदम ऐसा स्ट्रेप में है, तो एंड इसको आप चाहो तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पे दिया गया है एडजस्ट करने के लिए। एंड इसके पीछे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक सीप भी दिया गया है, तो इससे भी आप बहुत ही इजी तरीके से इसको पहन सकते हो। एंड कोई भी पार्टी हो सामने, जब क्रिसमस आएगा या कोई भी पार्टी मोड 31st night, उस टाइमिंग में अगर हम लोग ऐसे टाइप का सिर्फ एक ड्रेस पहन के एंड थोड़ा सा बड़ा वाला इयर रिंग पहन के थोड़ा सा मेकअप पार्टी लुक क्रिएट करके अगर जाएंगे ना, तो एकदम आपकी तरफ ही सब कोई देखते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी इसका लुक भी शेयर कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा ये। सो नेक्स्ट मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ मेरा ये टॉप। सो ये है एक रेड कलर का टॉप एंड ये नॉर्मल सा टॉप है, लेकिन बहुत ही इसका जो मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड ये गेंजी मटेरियल में है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। एंड इसका कलर मैं बोलूँ टोमेटो रेड है एंड इसमें यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स। सो एक्चुअली यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन में ना, अब ये जो लिखा हुआ है ये बहुत सारा डिज़ाइन बोल सकते हो ऐसे में अवेलेबल है। एंड और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ इन सब प्रोडक्ट का लिंक शेयर करूंगी, अगर आप लोग चाहो तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का लिंक मिल जाएगा। सो ये कुछ ऐसा है एंड इसका स्लीव्स ऐसे है, इसका डिज़ाइन में भी ऐसा थोड़ा सा फोल्डिंग टाइप डिज़ाइन है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी लगते हैं। एंड इसके साथ साथ इसके पीछे में अगर हम लोग देखते हैं तो इसके पीछे में भी यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक छोटू सा टाइप डिज़ाइन किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है। सो अगर हम लोग कैजुअल मोड में कहीं पे भी जा रहे हैं, लाइक शॉपिंग मॉल जा रहे हैं या कोई मूवी देखने जा रहे हैं, तो उस टाइम हम लोग इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है लेकिन बहुत ही अच्छा है दिखने में। एंड रेड तो ऑब्वियसली सबके नज़र अट्रैक्ट करते ही है, ये अलग से बोलने का कुछ है नहीं। एंड इसका मटेरियल इतना अच्छा है, अगर आप लोग चाहो वर्कआउट करने के टाइमिंग में भी आप इसको पहन सकते हो, क्योंकि उस टाइम में भी आप ऐसे कंफर्टेबल अगर टी पहन के वर्कआउट करेंगे ना, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। सो इसलिए भी आप लोग इसको परचेस कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों के साथ अगर वर्कआउट के लिए कोई टी शर्ट शेयर की हूँ, तो मेरा ये भी फर्ज बनता है कि उसके लिए जॉगर्स पैंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये एक जॉगर्स पैंट है एंड बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे बढ़िया बात इसका ये है कि आपका जो पैर के सामने ना एकदम नीचे ऐसे एक एंकल के सामने ऐसे एक इलास्टिक सिस्टम है, तो जिससे क्या होगा ना, ये आप मतलब आपके वहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रिप कर लेगा, तो जो भी जो बहुत अच्छा है। एंड उसके साथ साथ इसके साइड में ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है ऐसे, एंड इसका कलर है डीप नेवी ब्लू, तो हाँ ब्लू ही शायद दिखने में लग रहा है, ये डीप नेवी ब्लू कलर में है। एंड इसके साइड में ऐसे ब्लैक एंड वाइट से
वर्क किया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है एंड उसके साथ साथ इसमें पॉकेट भी दिया हुआ है। तो अगर आप जिम के टाइमिंग में या वर्कआउट के टाइमिंग में अगर कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ पे ये रख सकते हो या कैरी कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ इसका जो वेस्ट है ये है ऐसे इलास्टिक में जो कि बहुत ही अच्छे से आपका फिट हो जाएगा, आपका वेस्ट जितना भी हो बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा, तो आप लोग ये भी परचेस कर सकते हो। सो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस का, तो मेरा नेक्स्ट ड्रेस है ये फिर से और एक ड्रेस है वन पीस। सो ये है ऐसे नेवी ब्लू कलर में एंड ये कॉटन के ऊपर है। इसका मटेरियल सच में बहुत अच्छा है एंड ये कुछ ऐसे प्रिंट में है जो कि बहुत अच्छा लगता है। जो बहुत ज़्यादा ये कलर ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप कहीं पे भी इसको कैरी कर सकते हो एंड बहुत इजी तरीके से। एंड इसके साथ आप कोई भी स्टाइलिस्ट शूज़ पहन लो या कोई भी स्टाइलिस्ट इयर रिंग्स पहन लो, दैट्स इट, और कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसके साथ। एंड आप शाम के टाइमिंग में कहीं पे जा रहे हो तब भी आप इसको कैरी कर सकते हो, अगर आप सुबह के टाइमिंग में भी कहीं पे जा रहे हो उस टाइम भी आप इसको बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो। एंड इसका जो स्लीव्स है ये स्लीव्स थोड़ा सा ऐसे है बेल स्लीव्स में है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा फैशन में इन है। तो ये ऐसा है कुछ, है ना बढ़िया ये। एंड इसके पीछे में ना ऐसे एक बटन दिया गया है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो या पहनने के टाइमिंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बटन को ऑन करके आप बहुत ही इजी तरीके से इसको पहन सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा है। एंड इसका भी लेंथ आपका नी लेंथ है, तो अगर पसंद हो ऐसा टाइप का ड्रेस तो ज़रूर इसको परचेस कर सकते हो आप लोग। सो अभी नेक्स्ट ड्रेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरा नेक्स्ट ड्रेस है एक डांगरी, जो मैं बहुत दिन से सोच रही थी मुझे एक डांगरी लेना है। एंड डांगरी बहुत चीज़ में अवेलेबल है, लाइक स्कर्ट में है या जींस में भी है। तो मुझे पर्सनली ये स्कर्ट डिज़ाइन का डांगरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये डांगरी परचेस की हूँ एंड ये स्कर्ट डिज़ाइन में है एंड इसका मटेरियल कॉर्ड है ये ऐसे, एंड ये मेरून कलर में है, बहुत ही अच्छा है। एंड और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आप इसको बहुत ही अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे ना आप बहुत ही इजी तरीके से इसको पहन सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको आप ओपन करके भी इसको पहन सकते हो। एंड और एक चीज़ है इसके सामने देखिए, यहाँ पे दो पॉकेट दिया हुआ है जो कि मतलब आप कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी रखना चाहते हो या मोबाइल जो हम लोगों के साथ सब हर टाइम रहते हैं एंड अभी तो सैनिटाइज़र, अगर वो भी आप छोटा वाला रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप बहुत ही इजी तरीके से रख सकते हो। बहुत ही सुंदर है ये एंड इसका लेंथ है नी लेंथ से थोड़ा सा छोटा है ये, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसके साथ आप कोई भी टॉप के साथ कैरी कर सकते हो लेकिन मैं बोलूँगी इसके साथ अगर आप लोग वाइट टॉप कैरी करें ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट ड्रेस। सो नेक्स्ट ड्रेस है मेरा लॉन्ग ड्रेस या बोल सकते हो मैक्सी ड्रेस, जो कि अभी फैशन में बहुत ज़्यादा इन है। एंड मैक्सी ड्रेस ऐसा है ना, कोई भी इसको आप लोग पहन सकते हो, आप थोड़ा सा बल्की फिगर में हो तब भी आप इसको बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हो। एंड आपका थोड़ा सा एज हो गया है लेकिन उसमें भी कोई बात नहीं, मैक्सी ड्रेस कोई भी पहन सकते हैं, राइट। सो ये एक फ्लोरल प्रिंट में है एंड इसका सामने का जो ये नेक है ना ये वी नेक में है, जैसे आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे हो वी नेक में है ये। एंड इसके पीछे का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ना आप लोग शायद देख पा रहे हो, हाँ इसके पीछे में ना ऐसे थोड़ा सा इलास्टिक दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा ना आप बहुत ही अच्छे से ग्रिप होता है, आपका जैसे भी बॉडी शेप होगा बहुत अच्छे से ये ग्रिप कर लेगा। एंड उसको और भी थोड़ा सा फिट करने के लिए अगर इसमें ऐसे एक लंबा सा ऐसा एक बेल्ट दिया गया है तो इसको भी आप लोग पीछे में टाई कर सकते हो, नॉट बन सकते हैं इससे, तो इससे क्या होगा ना बहुत अच्छे से ये फिट हो जाएगा। एंड मैक्सी ड्रेस जैसे इन है ना, तो अभी ये फ्लोरल प्रिंट भी बहुत ज़्यादा इन है एंड फ्लोरल प्रिंट बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड और एक चीज़ है ये ना, थोड़ा सा इसका डिज़ाइन ना थोड़ा सा ऐसे नीचे में थोड़ा सा ऐसे टाइप में है, मतलब सामने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है एंड साइड में थोड़ा सा कम है,
शायद आप लोग देख के समझ में आ रहा है आप लोगों को, सो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो। एंड सामने इतना ज्यादा फेस्टिवल आ रहा है तो हम लोग तो अभी बाहर वैसे नहीं जा पा रहे, तो घर में बैठ के अगर ऐसा टाइप का ड्रेस पहनेंगे या ऐसा टाइप का ड्रेस को परचेस करेंगे ऑनलाइन में तो सबको अच्छा लगता है, राइट? तो शॉपिंग करना किसको ना पसंद है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा लास्ट ड्रेस है जो मैं ऑलरेडी पहन के बैठी हूँ, एंड ये एक जंपसूट है। ये है बहुत ही ब्राइट कलर है, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी। योलो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल लगता है एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है एंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो इसमें ये भी थोड़ा सा फ्लोरल प्रिंट में है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे येलो के साथ ना ऐसे ब्लू में वर्क किया हुआ है फ्लोरल, एंड ये थोड़ा सा क्रिप मटेरियल में है। एंड इसका जो स्लीव्स देख रहे हो ना, ये ग्लास स्लीव्स है, एंड उसके साथ यहाँ पे कोल्ड शोल्डर भी है जो कि अभी फैशन में इन है, हम लोग सबको ही जानते हैं। एंड इसके सामने ना ऐसे बटन दिया हुआ है, सो इस बटन से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। एंड इसका जो वेस्ट है ना, तो वहाँ पे देखिए आपका थोड़ा सा इलास्टिक दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा ना, बहुत ही अच्छे से ग्रिप जो होता है बहुत ही अच्छे से आपका वेस्ट को ग्रिप कर लेगा, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड जंपसूट तो बहुत ही ज़्यादा इन है, जंपसूट कुछ भी चीज़ का जंपसूट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड और एक चीज़ भी है इसमें, इसमें दो पॉकेट भी दिया हुआ है जो अभी तो हम, मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को हर एक ड्रेस में पॉकेट रहना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है क्योंकि हम लोगों को छोटा सा एक सैनिटाइज़र तो कैरी करना ज़रूरी होता है ना कहीं पे भी जाए, तो छोटा सा वो सैनिटाइजर रखने के लिए पॉकेट होना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं जो सब ड्रेसेस खरीद रही हूँ उसमें मैक्सिमम में आप लोग देख चुके हो कि पॉकेट है, तो मैं ये सोच के नहीं खरीदी थी लेकिन मिल गया मुझे। सो ये ऐसा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोग चाहो तो इसको कैरी कर सकते हो एंड इसको परचेस भी कर सकते हो। एंड ये आप पार्टी बोलिए या कोई कहीं पे भी हम लोग जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं या कोई मूवी देखने जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, तो उस टाइम में हम लोग इसको ईजिली पहन सकते हैं, ईजिली कैरी कर सकते हैं। सो कैसा लगा आप लोगों को इस वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना ना मत भूलना। एंड मुझे लगता है आप लोगों को इस वीडियो तो ज़रूर अच्छा लगेगा क्योंकि अभी शॉपिंग टाइम है यार, तो शॉपिंग करना तो बनता है। सो चलिए आज का इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।